नमस्ते सतरीकाल आदाब हेलो फ्रेंड्स केम छो दिस इज किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ट्रेकिंग है ना वो बहुत छोटा सा ट्रेकिंग होने वाला है। पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। और हाँ, मैं बोल रहा था आज का जो ट्रेकिंग होगा बहुत छोटा ट्रेकिंग है। सावन का जो महीना है तो हमेशा मेरा ऐसा मन रहता है कि सावन के महीने में जितना भी महादेव का शिवलिंग का दर्शन कर सकते हम करते। हम यानी ये दो गरीब दिखने जैसे लोग, ये लोग शक्ल गरीब हो जैसा है भाई, भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। और हम लोग खड़े अभी श्री मलंगगढ़ के पार्किंग पे। ये जो पूरा आपको माउंटेन रेंज दिखाई दे रहा है ये मलंगगढ़, इसके ऊपर मलंगगढ़ का जो बाले किला है वो है एकदम टॉप पे। पर हम आज कहाँ जाने वाले? शिव मंदिर नहीं है एक्चुअली। इन लोगों को शिव मंदिर लग रहा है, इन लोगों को ऐसा लग रहा था हम लोग ताउली का जो पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर है वो जाने वाले, बट हम वहाँ नहीं। हम मलंगगढ़ के ऊपर ही चढ़ने वाले, बट मलंगगढ़ से ना एक रास्ता ऐसा जाता है कि पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, तो हम उसका दर्शन करने वाले और वहाँ जल चढ़ाएंगे। हाँ अजी, जय जय हे महादेव। ये बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक महादेव का शिवलिंग है। जो ट्रैकिंग करने आता है ये साइड उनको ही आइडिया होगा, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो के थ्रू आपको हम महादेव का सावन के महीने में दर्शन कराएं। बोलो हर हर महादेव। अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे कैसे आना है इसका सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाले रास्ते से सीधे से आए हम लोग, ये कल्याण से सीधा 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 आना है, मलंगगढ़ का रोड लेना है और ये यहाँ पे आए। यहाँ पे है मलंगगढ़ का पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क करना है, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू करना है। और देखते हैं अभी हम लोगों को कितना टाइम लगता है यहाँ से जाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे अभी नाश्ता किया है, गरम गरम नाश्ता। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 10:30 बज रहा है और ट्रेकिंग स्टार्ट करते करते 11 हो जाएगा। अभी जाते ही इधर गाड़ी पार्क करते। ये पूरा यहाँ पे पार्किंग है और 2-व्हीलर का 50 रुपीज़ पार्क का चार्ज है। और यहाँ से जैसे ही एंट्री मारते, पार्किंग किया, यहाँ से अंदर जाना है और आगे जाके ना यहाँ पे एंट्री टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन 5 रुपये है। और फिर सीधा ऊपर चढ़ना चालू करना है, और वो जो हम महादेव का दर्शन करने वाले शिवलिंग का, उसका जो रास्ता कैसा है, कैसा आना जाना है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पार्किंग से कुछ 10-15 मिनट का वॉक करना है, और ये है सामने टिकट काउंटर। यहाँ से आए और यहाँ पे टिकट काउंटर, ये है हमारा टिकट 5 रुपये का पर पर्सन। और फिर टिकट लेके वापस ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है। और गरीब लोग कैसे हो? ये हमारे साथ का डर है ना, लेकिन इसको मैं गरीब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप का इकलौता बंदा है बीएमसी वाला। अरे तेरे भाई ने कभी घमंड नहीं किया? जो बहुत चापता है और बहुत शाना है। ऐसे जगह पे भी जब इसको बोलता हूँ कैश छुट्टा रखा कर, बस इतना शाना कि हमेशा सिर्फ ऑनलाइन लेके आता है। थर्टी फाइव मिनट्स ही हुआ हम लोगों को ट्रैक स्टार्ट करके। तेरे को तो मैं लूँगा ब्रिजेश। ये बंदा वॉकिंग छोड़ दिया, ट्रैकिंग छोड़ दिया, रनिंग छोड़ दिया, अब कैसा लगा तेरे को 30-35 मिनट्स में? मैं क्या बताऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इसके एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। मेरे को कम से कम 5-6 बार ये बंदा पूछ चुका है और कितना टाइम लगेगा। यही होता है जब 50 बार में से एक ही बार कोई इंसान चलने आता है, ट्रैकिंग पे आता है ना, यही हालत होता है। पहले की बात अलग है, 2 साल पहले की बात कर रहा है तू। और वो बंदा धनाधन बस चढ़ते जा रहा है, और बीएमसी वाले बहुत फास्ट काम है रे तुम्हारा चढ़ने का, ऐसे जरा खड्डा भी भरने का काम जल्दी किया करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मलंगगढ़ का जो नियरेस्ट का रेलवे स्टेशन है वो है कल्याण,
कल्याण से वेस्ट वाले साइड में जाना है, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से मलंगगढ़ के लिए बस चलती है, आप उससे भी आ सकते हैं या फिर टैक्सी या ऑटो शेयरिंग बेसिस पे भी आता है, या फिर आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अपने लोकेशन डालना है गूगल पे और मलंगगढ़ डालो, आप डायरेक्ट यहीं पर पहुँचोगे। मलंगगढ़ आने के बाद जो मेन एंट्री है वहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते जाना है, जब एक दुर्गा माता का मंदिर आता है वहाँ से हमको अलग राइट लेना है, तब हम पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग की तरफ। और आज का जो ये क्लाइमेट अभी तक ऐसे ही बन रखा है, ऐसे क्लाइमेट में ही हम आज ट्रैक कर रहे, बट थकान, ये जो सीढ़ी वाला पोर्शन होता है ना, ये सीढ़ी वाला पोर्शन थोड़ा थका देता है, अदरवाइज रॉ आराम से चढ़ लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ना अभी तक फॉग हटा नहीं है, नहीं तो यहाँ से बाले किला दिखाई देता। अभी कुछ 50-55 मिनट्स का ट्रैकिंग हुआ है, एक घंटा समझो। अभी 5-10 मिनट में हम लोग दुर्गा माता मंदिर पे पहुँचेंगे, माता रानी के मंदिर के यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच के मंदिर के ऑपोजिट जाना है, जो शिवलिंग महादेव का है जहाँ पे, वो वाला रास्ता लेंगे हम लोग। तो अभी जब ऊपर पहुँचूँगा मंदिर के यहाँ पे, तब आपको वहाँ पे डायरेक्शन समझाता हूँ। ज़ोर से यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है और अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे है पहला दरगाह। यहाँ से ऊपर आएंगे और ऊपर जाएंगे माता रानी का मंदिर, दर्शन करेंगे वहाँ से। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है भाई? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो। बहुत मजा आता है। जोर से बोलो, बारिश कैसे सुनाई नहीं देगा? बहुत मजा आता है, हालत खराब हो जाती है, रुकता नहीं है। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आया, बढ़िया। थक क्यों रहे लेकिन? हालत खराब हो गई, क्या करें। ये भाई ने ना आज हमारा एक चीज घुमा दिया है, हम जब भी महादेव का शिवलिंग का दर्शन करने कहीं पे भी जब मैं जाता हूँ तो गंगा जल बेलपत्र ये सब कैरी करता हूँ। ऐसा हमने फूल ये सब लिया हुआ है, बट ये भाई ने बेलपत्र का थैली कहाँ घुमा दिया। क्या हो गया था तेरे को वो टाइम पे? बस हो गया, गलती माफ कर दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। अब तेरे वजह से हम एक पुण्य कम मिलेगा ना हमको, दो से पुण्य जैसा। बस हो गया। अच्छा नज़ारा, पूरा क्लाउड्स आ चुका है। अब थोड़ा जैसा बारिश रुकेगा यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते। यहाँ पे पहला दरगाह, वहाँ से 5 मिनट ऊपर चढ़ के आना है। यहाँ पे है दुर्गा देवी माता रानी का मंदिर, और ये जो माता रानी का मंदिर है उसी के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ से ये रास्ता जाता है। बस ये फॉलो करते करते जाना है, महादेव का शिवलिंग का दर्शन करना है तो। पर अब हम पहले जाएंगे माता रानी का दर्शन करेंगे। अनिकेत इधर है माता रानी का, पहले हम वहाँ पे दर्शन करते फिर हम यहाँ से निकलेंगे। देवी का जो मंदिर है, माता रानी का, पूरा फॉग में ढका हुआ ये मंदिर है, यहाँ पे जाना है अभी। प्यार से बोलो जय माता दी, हमारी हालत खराब हो गई, जय माता दी, जय माता दी। प्यार से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। चढ़ चढ़ के हालत खराब हुई हमारी, जय माता दी। अब जय माता दी, देव का देवी का दर्शन करना है। जय माता दी। थकान हो रहा है, यहाँ आते ही जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे ये जो बंदर है इनसे आपको बहुत सावधान रहना, क्योंकि बैग वैग पे झपटा मारते, अगर कुछ हाथ में खाने पीने का है तो सीधा भाग के आएंगे आपके ऊपर, तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना। ये तो अभी बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, वरना वो साइड फॉग में और भी वहाँ पे ना बैठे हुए 7-8 है वो साइड में। माता रानी का हम सब ने दर्शन कर लिया और आपको भी मैंने डिजिटली दर्शन कराया। अब वहाँ से निकले और यहीं पर ऑपोजिट में ये याद रखना है ये रास्ता, यहाँ से आप सीधा जाएंगे महादेव का शिवलिंग के तरफ। बोला हर हर महादेव। यहाँ पे
आप देख सकते हैं कितना जोर का हवा अच्छा खासा चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे पेड़ के यहाँ पे रुक गए। नौटंकी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है तेरा, तू जो भी बोल रहा है कुछ आवाज नहीं आ रहा है। और हाँ कुछ आ ही नहीं साले इतना। हम लोग यहाँ से वो माता रानी का जो मंदिर था वहाँ से ऐसा आए और अभी जाएंगे ये साइड महादेव का शिवलिंग है। तो याद रखना है माता रानी के मंदिर से जब सीधा सीधा आते हो, आने के बाद सीधा राइट लेना है, राइट साइड में ही महादेव का शिवलिंग है। क्या कर रहा है क्या कर रहा है वापस कर। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा मस्ती चलते हुए। पिछले साल जब मैंने मानसून में ट्रैकिंग किया था तो मेरे शूज़ की वाट लग गई थी, पूरी तरह उखड़ गया था सोल ये सब। आज यही सेम चीज़ ब्रिजेश के साथ हो गया। ब्रिजेश भाई एंड मूवमेंट पे फिला का शू टूट गया, इसका पूरा सोल उखड़ गया है। क्या बोलेगा भाई तू इसके बारे में? यार पीला ब्रांड नाम के लिए 6,500 का शू गया। आप कुछ टिप्पणियां देना चाहेंगे अनिकेत जी? ब्रांड का ले लिया बिना मतलब का ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो। देव का जो शिवलिंग है वहाँ पे पहुँच चुके। पहले पब्लिक को दिखाने से पहले मैं पूछना चाहेगा ब्रिजेश कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और बहुत रुके भी हम लोग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत मजा आया था क्योंकि बार बार बैठ बैठ के आ रहा था। अनिकेत भाई तुमको कैसा लगा? मजा लगा भाई, बचपन से आदत है चलने का, इसलिए हमको अच्छा लगता है। भगवान का जो दर्शन करने हम आए थे शिवलिंग का, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में पब्लिक को भी दर्शन कराओ। अच्छा मंदिर है, जरूर देख लेना, एक बार जरूर दर्शन कर देना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत कम लोगों को यहाँ के शिवलिंग के बारे में पता है। आज वीकेंड है, संडे, बट यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है, कुछ चार पांच ही पब्लिक है। चलिए अब मैं आपको शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ का नज़ारा और इस नज़ारे में बसे हैं हमारे प्यारे महादेव। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जब भी ट्रैकिंग पे जाता हूँ, महादेव शिवलिंग का दर्शन करता हूँ, तो हमेशा अपने साथ मैं कैरी करता हूँ गंगा जल। अच्छा हुआ तुमने ये प्लास्टिक दिखा दिया, जैसे हमारे पास एक दो प्लास्टिक है जो हम कचरा नहीं फैलाते, हम अपने साथ कैरी करके लेके जाते, फिर जब कचरे का डब्बा देखते उसमें डाल देते। बहुत जगह पे पानी का बॉटल और रैपर गिरे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे जगह पे आते हो नेचर को नीट एंड क्लीन रखो। देखिए क्या प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इस नज़ारे में बसे हैं हमारे प्यारे महादेव, हर हर महादेव। और ये देखिए पूरा क्लाउड्स आ चुका है और यहाँ ऊपर बाले किला दिख रहा है थोड़ा क्लाउड्स के बीच में। अब फिर से क्लाउड आ गया वहाँ पे। यहाँ पे वाटरफॉल है जो फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, और फिर फॉग हटता है तो पूरा वाइट वाइट दिखाई देता है। यहाँ पे जहाँ शिवलिंग है यहाँ से ही दिखाई देता है। ये हमारा दर्शन हो गया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले। हम लोग ने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था ब्रिजेश, 11 बजे किया, और ऊपर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा? डेढ़ घंटा। मीन्स हम लोग 12:30 के ऊपर पहुँचे, हम लोग ने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी हो रहा है 1:15। हम लोग ने 40-45 मिनट्स यहाँ पे एंजॉय किया है, हम लोग ने फ़ोटोज़ लिए। वो जो फ़ोटोज़ है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम का लिंक है उसमें देखने मिल जाएगा, तो जाके इंस्टाग्राम पे चेक करो। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है विजय 34। खुद का आईडी नहीं मालूम, चल फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में तेरा आईडी दे दूंगा, ब्रिज 3453। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। हाँ। और सब्सक्राइब भी करे। इसको तो मत ही करना। मगर क्यों?
एक या दो ट्रेकिंग आता है बंदा दो साल में। नौटंकी फॉलो जरूर करे। अनिकेत तेरे को कैसा लगा? लेकिन क्लाइमेट मस्त है ना। एक्चुअली हम लोग एक दो स्पॉट ढूंढ रहे जहाँ पे मैं डांस वीडियो शूट कर सकूं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका मार भी नहीं सकता। तो ट्राई करते कहीं अगर अच्छा स्पॉट देखूंगा कहीं मिलेगा तो डांस वीडियो भी बनेगा जिसका अब फिर से क्या ही बोलूं। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम चेक कर लो, डांस का वीडियो वहाँ पे देखने मिल जाएगा। 5 6 7 8 बहुत मज़े किए, 1.5-2 घंटा हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, अच्छा खासा फ़ोटोज़ लिया, डांस वीडियोस बनाए। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। अनिकेत क्या बोलना चाहोगा, जो नया पब्लिक देख रहा होगा उसको क्या बोलेगा? भाई एक बार यहाँ जरूर आके देखो। और ब्रिजेश बहुत मज़ा आया, पहला थोड़ा बहुत मेहनत लगी बट बहुत मज़ा आया। मेहनत लगता है ना अगर हम 2 साल सिर्फ खाए पिए बैठे काम करे खाली बैठ के, और सिर्फ गाड़ी से ही अगर हमको सिर्फ धनिया पट्टी लेने जाना है तो गाड़ी से ही जाए तो क्या करेगा, चर्बी आ जाता है साइड साइड, टायर जम जाता है बाजू बाजू, फिर जब हम चढ़ना चालू करते हे भगवान हे भगवान चढ़ा दो, ऐसा होता है ना। ना सब डालूंगा तेरा मैं। लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत कुछ होता है जो हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग लड़के लोग हैं, बहुत कुछ तो इसलिए हम लोग, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखती है बट और बहुत एंजॉय किया। आप समझ सकते हो मेरी भी फैमिली देखती है। भाई मेरे फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मैं शेयर करता हूं तो देखते और ज्यादा हो जाएगा, बट सीरियसली बहुत एंजॉय किया हम लोग ने। और जो इधर का क्लाइमेट है ना, हवा अभी तक चल रहा है लेकिन इतना ठंडा अच्छा है। हाँ जो स्टार्टिंग का जो स्टेप है ना जो चढ़ना चालू करते हैं वहाँ पे थकान नहीं होगा, लेकिन बीच में स्टेप्स बड़े बड़े आ जाते हैं तो हो सके थकान हो। आप लोग में से कोई ये नया वीडियो देख रहा है तो आपको पता ना क्या करना है, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए ताकि मेरा जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड करने से बोलो बोलो हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मिलते हैं अभी ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।